सेना में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी 8 जिलों जिसमें पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण बेतिया, सेवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थियों के लिए सेना में जाने का ये एक अच्छा मौका है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 16 फरवरी से 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आवेदन करने से लेकर पूरी डिटेल बता देते हैं। तो दरअसल इस बार अग्निवीर योजना के अंतर्गत 17 से 21 साल के युवा भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, SKT, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती होगी। इस बार ऑनलाइन CEE की परीक्षा पहले होगा। ऑनलाइन CEE के सेंटर के लिए अभ्यर्थी को 5 केंद्र चुनने होंगे। ये परीक्षा अप्रैल में होगी। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन CEE में पास होंगे और मेरिट में आएंगे उनको रैली के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी तारीख बाद में तय की जाएगी। इस बार रजिस्ट्रेशन, योग्यता और बोनस मार्क्स में काफ़ी बदलाव हुए हैं, इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े। अग्निवीर योजना के अंतर्गत शुरुआत में 4 साल का अनुबंध होगा, जिसके पश्चात अग्निवीरों की उनकी 4 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदर्शन के आधार पर 25% अग्निवीरों को सेलेक्ट किया जाएगा, जिन्हें 15 वर्ष और सेवा का मौका मिलेगा। जो अग्निवीर 4 साल के बाद वापस आएंगे उन्हें एक मुफ्त सेवा निधि मिलेगा। बता दें कि इस नई भर्ती प्रणाली में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, जिसमें उम्मीदवारों को 10वीं 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों सहित अपना डेटा भरना होगा। कोई भी विसंगति, अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है। आवेदन शुल्क ₹250 प्रति उम्मीदवार के लिए लिए जाएंगे। आवेदन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नामांकित ऑनलाइन कंप्यूटर केंद्रों पर आयोजित होने वाला पहला कदम होगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए उम्मीदवार केवल रंगीन एडमिट कार्ड लाए। ऑनलाइन परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और सिर्फ मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को ही रैली के लिए बुलाया जाएगा। अब NCC-C सर्टिफिकेट धारक भी ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। NCC-C सर्टिफिकेट के भी बोनस अंक होंगे। ऑनलाइन परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षण, शारीरिक माप, दस्तावेजीकरण और मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चरण के लिए फिर से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद उनकी बहाली कर ली जाएगी। तो फिलहाल जो जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसके आधार पर इच्छुक उम्मीदवार जो हैं वो इसके लिए आवेदन जल्द कर सकते हैं।